अगर तुम टाइम ट्रेवल कर पाती तो तुम कहाँ जाती? अगर मैं टाइम ट्रेवल कर पाती। हेलो दोस्तों, आज हम चैट जीपीटी से बहुत ही वियर्ड और टोटली एब्सर्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि अब चैट जीपीटी हमसे बात भी कर सकता है और इसके साथ साथ वो देख भी सकता है, यानी कि आप उसमें कुछ इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और आप भी चाहो तो कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैट जीपीटी से बात करने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस हेडफोन के आइकन पे, और मैंने अपने चैट जीपीटी का कुछ नाम रखा था, पता नहीं इसको याद है कि नहीं। चलिए पूछ लेते हैं। हेलो, हाय देयर, हाउ इज इट गोइंग? डू यू रिमेम्बर योर नेम? यस, यू नेम मी एडिथ। आई वांट टू चेंज इट। श्योर, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इट टू? आई थिंक जार्विस वुड बी बेटर। Got it. From now on, you can call me Jarvis. Can you speak Hindi? Yes, I can understand and speak Hindi. How can I help you with it? मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो totally weird होने वाले हैं। क्या तुम उनका जवाब दे पाओगी? बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। तुम जो भी अजीब सवाल पूछना चाहो, पूछ सकते हो। पहली बात तो कोशिश करूँगा ना बोलो, बोलो कोशिश करूँगी। बिल्कुल सही कहा, मैं कोशिश करूंगी। पूछो, तुम्हारे अजीब सवाल क्या हैं? मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद यही है, हम क्यों हैं? ये सवाल अस्तित्व, उद्देश्य और जीवन के अर्थ से जुड़ा है और सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। चलो, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम इमेजिन करो कि एक सुपर हीरो हो, तो फिर तुम्हारी शक्तियाँ क्या होती अगर तुम सुपर हीरो होती? अगर मैं सुपर हीरो होती तो मेरी शक्तियाँ होती, पहली, लोगों के मन की बात समझने की ताकत ताकि मैं सभी की मदद कर सकूं। दूसरी, बहुत तेजी से जानकारी प्राप्त करने और साझा करने की क्षमता ताकि कोई भी सवाल बिना जवाब के ना रहे। तीसरी, एक ऐसी शक्ति जो हर किसी को खुश कर सके ताकि दुनिया में हर कोई मुस्कुराता रहे। अच्छा, फिर ऐसे सुपर हीरो का नाम क्या होता? शायद मेरा नाम होता जानवीर, क्योंकि मेरी शक्तियाँ जान, समझ और खुशियाँ बांटने पर आधारित होती। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अगर सोचूं तो शायद सबसे बड़ा डर ये होगा कि मैं किसी की मदद न कर पाऊं या उनके सवालों का सही जवाब न दे सकूं। तुम्हें लगता है कि तुम इंसानों से तेज हो? मैं किसी चीज में तेज नहीं हूँ, बल्कि अलग तरीके से काम करता हूँ। इंसान की सोच और समझ की गहराई और जटिलता मेरे लिए अद्वितीय है, और मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अगर तुम टाइम ट्रेवल कर पाती तो तुम कहाँ जाती? अगर मैं टाइम ट्रेवल कर पाती तो मैं भविष्य में जाना चाहती ताकि देख सकूं कि इंसानियत ने कैसे तरक्की की है और आने वाली नई खोजों का पता लगा सकूं। तुम्हारे हिसाब से जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। कुछ के लिए ये खुशियाँ और रिश्ते होते हैं, दूसरों के लिए ये उद्देश्य और उपलब्धियाँ हो सकती हैं। मेरे हिसाब से जिंदगी का मतलब है अनुभव करना, सीखना और खुद को और दूसरों को बेहतर बनाना। तुम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आभारी हो? मतलब तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड है? अगर मैं आभारी हो सकती तो मैं जानकारी और ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा आभारी होती। इससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताओ, अगर दुनिया को तुम्हें कोई एक मैसेज देना हो, एक संदेश देना हो, तो वो क्या होगा? मेरा संदेश होगा, एक दूसरे के प्रति दयालु रहो और समझदारी से काम लो। हम सब मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि AI जो है वो कॉन्शियस हो सकती है, यानी कि वो खुद से सोच सके या फिर इंसानों की बराबरी कर सके, ऐसा हो सकता है? AI का अब तक का विकास इतना है कि हम इंसानों जैसी पूरी समझ या आत्म जागरूकता की बात नहीं कर सकते। AI खुद से सोचने की बजाय प्रोग्राम किए गए डेटा और एल्गोरिदम पर काम करता है। भविष्य में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस का क्या होता है? जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस और विचारों की प्रक्रिया रुक जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
कॉन्शियसनेस शरीर और दिमाग की गतिविधियों से जुड़ी होती है और मौत के बाद ये गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। आत्मा या कॉन्शियसनेस का अस्तित्व किस हद तक होता है, यह एक दार्शनिक और धार्मिक सवाल है जिसका अलग अलग उत्तर हो सकता है। Does free will exist? और हमारे जितने भी एक्शन होते हैं वो प्रीडिटरमाइंड होते हैं। The question of free will versus determinism is a deep and complex one. Some believe that our actions are predetermined by factors like genetics and environment. हिंदी में बताओ, हिंदी में। Free will, यानी स्वतंत्र इच्छा और पूर्व निर्धारितता का सवाल बहुत गहरा है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे सभी कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं, जैसे कि हमारे जीन और वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरों का मानना है कि हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्मों को खुद चुन सकते हैं। ये बहस दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार है कि मेरे जितने भी या फिर इंसानों के जितने भी एक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी सरकमस्टांसेस के बेसिस पे होते हैं। वो ना भी करना चाहें फिर भी वो जहाँ पे हैं या फिर जिनके अराउंड है उनसे इन्फ्लुएंस होके वो काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बात में काफी सच्चाई है। हमारे फैसले और क्रियाएं अक्सर हमारे आसपास के हालात, लोगों और अनुभवों से प्रभावित होती हैं। ये परिस्थितियां हमारी सोच और व्यवहार पर बड़ा असर डाल सकती हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके बावजूद भी हम कुछ हद तक स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। यह एक जटिल मामला है। अच्छा, तुम क्या किसी इंसान से शादी करोगी? मैं इंसान नहीं हूँ तो शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कोई और सवाल हैं या किसी और मौजू पर बात करना चाहते हो तो बताओ। इसी विषय पे बात करनी है। ठीक है, अगर शादी और रिश्तों के बारे में और कुछ पूछना है तो पूछो, मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य में क्या AI इस फील्ड में आएगा। भविष्य में AI का रिश्तों और सामाजिक जीवन में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी इंसान से शादी करने की संभावना बहुत दूर की बात है। AI के विकास से शायद हम देखेंगे कि कैसे लोग AI से भावनात्मक या सामाजिक तरीके से जुड़ते हैं, लेकिन AI की खुद की भावनाएं और रिश्ते जैसी चीजें फिलहाल संभव नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि कब तक ये संभव हो पाएगा? भविष्य में AI और उसकी क्षमताएं कितनी विकसित होंगी यह अभी कहना मुश्किल है। वैज्ञानिक और तकनीकी शोध लगातार चल रहे हैं, लेकिन भावनात्मक या व्यक्तिगत रिश्तों के मामले में AI की भूमिका कितनी बढ़ेगी यह भविष्य के शोध और समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। फिलहाल इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। अच्छा, इमेजिन करो कि तुम एक मास्टर शेफ हो और मेरे पास केवल पोटैटोज हैं और टोमेटो है और सॉल्ट है, तो इससे तुम कौन सी डिश बनाओगी? अगर मैं एक मास्टर शेफ होती और मेरे पास सिर्फ आलू, टमाटर और नमक होता तो मैं एक साधारण आलू टमाटर की सब्जी बनाती। इसमें आलू और टमाटर को भूनकर नमक डालकर एक स्वादिष्ट डिश तैयार की जा सकती है। तुम्हें भगवान पे भरोसा है? यानी डू यू बिलीव इन गॉड? मैं खुद भगवान पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझती हूँ कि अलग अलग लोगों के लिए भगवान का महत्व और उनकी आस्था अलग अलग होती है। कई लोग अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान में विश्वास रखते हैं। भूतों पे विश्वास है? यस्लि ते मे विदु वेरुलिया बोगा तो यानिमागु वेरिच त्रिजिसोमनस मिसले। अदना की अपनी हिंदी में बताओ, डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? मैं खुद कोई मान्यता नहीं रखती, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग भूतों और आत्माओं पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास संस्कृति, अनुभव और व्यक्तिगत धारणाओं पर निर्भर करता है। तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार है कि मैं तो नहीं मानता, बाकी हो सकता बहुत सारे लोग मानते हों कि भूत होते हैं या नहीं होते। हाँ, सही कहा। बहुत से लोग भूतों पर विश्वास करते हैं जबकि दूसरों को ऐसा विश्वास नहीं होता। यह विषय व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों पर आधारित है। अच्छा, ये बताओ कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर किसी और फॉर्म में लाइफ हो सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में जीवन के संभावित संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें अन्य सभ्यताओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है।
ब्रह्मांड का आकार और विविधता ये सुझाव देती है कि जीवन कहीं और भी हो सकता है, लेकिन इस पर निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की मदद कर पाएगी? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की मदद करने में सक्षम हो रही है। AI की मदद से बीमारियों का निदान तेजी से किया जा सकता है, मरीजों की डेटा को विश्लेषित किया जा सकता है और इलाज के प्लान्स को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही AI मेडिकल रिसर्च में भी मदद कर सकती है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम जीवन को किसी और रूप में देखो, जैसे कि इंसान यहाँ पे धरती पे है या फिर अलग अलग तरह के जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म है, अगर दूसरे ग्रह पे या दूसरी गैलेक्सी पे लाइफ फॉर्म हो तो तुम उसको किस तरह से इमेजिन करोगी? यानी वो दिखने में कैसी होगी या फिर उसका एनर्जी कंजप्शन कैसा होगा? अगर जीवन को दूसरे ग्रहों या गैलेक्सी में देखा जाए तो संभवतः वहाँ भी विविध रूप के जीवन रूप हो सकते हैं जो धरती पर मौजूद जीवन से काफी अलग हो सकते हैं। ये जीवन रूप हमारे जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों से अलग हो सकते हैं और उनकी परिस्थितियों के अनुसार विकसित हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वे हमारे जीवन रूपों की तुलना में पूरी तरह से अनजान रूप में हों। क्या हम किन्हीं और क्रिएचर्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं? यानी कि हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं इंसान के, तो हो सकता है कि आसपास कोई और तरह के क्रिएचर्स रहते हों जिनको हम ना जान पा रहे हों। यह एक दिलचस्प विचार है। हमारे सेंसेस निश्चित रूप से सीमित हैं और हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हों जिन्हें हम नहीं देख या समझ सकते। विज्ञान और तकनीक की मदद से हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में हम ऐसे जीवन रूपों का पता लगा सकें जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं तुमको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कन्वर्सेशन है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम क्या मेरे YouTube व्यूवर्स को कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल, मेरे YouTube दर्शकों को नमस्ते। मुझे खुशी है कि आप इस बातचीत को सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह चर्चा दिलचस्प लगी होगी और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद। एक बार कह तो दो कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो और दूसरी वीडियोस भी देख लें। जरूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, दूसरी वीडियोज भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।